नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि व्रत की कथा बताने वाली हूँ, जो इस प्रकार है। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना चाहिए? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहत रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा वालों को सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित रहता है। जो सुहागिन स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह पति सुख से वंचित होकर नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर पाए, तो एक समय भोजन करके और दसों दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण जरूर करें। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या थी। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में ही अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम करता था, तो वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिससे चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है, उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण को क्रोध आ गया। वह अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से बिताया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हो, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सो सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया।
उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया और अति कांतवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन करके देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान करके देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि, उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले के अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाशक्ति विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेलपत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके ब्राह्मण को अत्यंत निर्मल मन से प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है।
इस नवरात्र व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आस्था और विश्वास का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय माता दी।